अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 14.14 टॉपिक का सब टॉपिक विच इज़ सर्किट ब्रेकर। सो हम स्टडी कर रहे थे कि जो हमारे ब्रेकर्स हैं या फ्यूज़ वगैरह हैं, अब हम उनको क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द सेफ्टी पर्पज़। ठीक है, हम अपने घरों के सर्किट्स को बचाने के लिए उनके लिए सेफ मेयर्स कुछ यूज़ करते हैं विच इज़ फ्यूज़, ब्रेकर्स एंड अर्थ वायर। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया फ्यूज़ को, कि फ्यूज़ जो है जब हमारी एक लिमिट होती है कि करंट किसी वायर से पास आउट कर सकती है, अगर वो लिमिट एक्सीड कर जाए यानी उस लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करे, तो फ्यूज़ क्या करता है, उस करंट की वजह से मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने की वजह से वहाँ से कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी घर की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है और उसके कट ऑफ होने की वजह से हम सेफ रहते हैं। अदरवाइज़ क्या हो, फायर के बहुत चांसेस हैं, करंट जो है इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, तो इसलिए हमने उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए फ्यूज़ को यूज़ किया। तो फ्यूज़ की जगह, जिस तरह हम लोगों ने फ्यूज़ को पढ़ा कि वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है सारी करंट की सप्लाई को, सेम उसी तरह हमारा ब्रेकर जो है वो भी यही काम करता है कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा जो है करंट फ्लो कर जाए लाइव वायर के अंदर से, तो क्या करता है ब्रेकर, उसको कट ऑफ में ले जाता है उस पूरे सर्किट को, ताकि ज़्यादा करंट आगे फ्लो ना करे। अगर आगे फ्लो नहीं करेगा ऑब्वियसली देन स्पार्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई फायर नहीं होगी और कोई डैमेज नहीं क्रिएट होगा। तो इसलिए हम लोग अब ब्रेकर का पढ़ेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से ये सेव कर सकता है। ठीक है, ब्रेकर में हमारे पास ये इस तरह की डायग्राम हमें बुक में गिवन है। इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि ब्रेकर जो है वो किस तरह हमें हेल्प आउट करे। ब्रेकर के अंदर क्या लगा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब है कि लाइक सोलेनॉइड होती है इस तरह का कॉइल। ठीक है, अब कॉइल्स की ये है कि अगर उसके अंदर सोलेनॉइड में से हम लोग करंट पास आउट करें, ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ कि करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे इसका फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, अभी आप ये टर्म नहीं पढ़ते तो आप जस्ट सिंपली उसको समझें कि करंट जब यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ पे जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जिस तरह हम जा रहे हैं, फिर एकदम से उसको कर्व लेना पड़ा, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो करंट है उसको थोड़े हर्डल्स के साथ आगे मूव करना पड़े या वो अपनी थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करता हुआ आगे मूव करे। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और करंट के यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज होने की वजह से यानी फ्लक्स चेंज की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जबकि हमने क्या अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जहाँ भी हम देखेंगे कि जो हमारे कॉइल्स वगैरह हैं, सोलेनॉइड्स वगैरह हैं, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब क्या बनेगा, ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो ये हमारे पास पूरा बन जाएगा एक जो है मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, बार मैग्नेट, के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, और ये मैग्नेट बन गया, इट मीन्स इसके पोल्स भी बन जाएंगे यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हमारा पूरा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसको बार मैग्नेट भी कहा जाता है, और उसमें क्या बन चुके हैं, अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी डिवेलप हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसका क्यों इसको यूज़ करें, देखिए मैग्नेटिक के मैग्नेट जो है आमतौर पे वो क्या करता है कि अगर हम उसको किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कोई आयरन की बनी हुई है, कोई और मैग्नेट है, उसको अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी दो मैग्नेट को पास लो तो वो चिपक जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, यहाँ से हम जो सर्किट्स में बात करते हैं, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें सब हम क्या कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, करंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम कहीं पे भी मैग्नेट को डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम क्या दे रहे हैं, लाइव वायर के अंदर करंट दे रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यहाँ करंट तो आ रहा था, अब हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्यों ज़रूरत पड़ी, देखें ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, जब ये यहाँ से अटैच हुआ है, ये दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपस में अटैच होते हैं, अटैच होने की वजह से क्या होता है कि करंट पास आउट होता रहता है और यहाँ से फर्दर आगे जो है इसके साथ कनेक्शन किया होता है। ठीक है,
इट मींस हमारा सर्किट अब बिल्कुल कंप्लीट है कि यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पास आउट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से इस पॉइंट को मिल रहा है, ये पॉइंट आगे फर्दर इन कॉन्टेक्ट है विद अदर पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली ये कनेक्शन आगे हमारे सारे घर के जो भी अप्लायंसेज हैं उनको दे देगा, ठीक है. अब इस टाइम पे हमारा सर्किट कंप्लीट है. इन केस अगर हमारा ये लाइव वायर में करंट एक लेवल से एक्सीड कर जाए, ठीक है, इसका मतलब है करंट यहाँ से भी पास आउट करेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, यहाँ तक भी जाएगा. अगर हमें यहाँ से आगे करंट को पास आउट नहीं करना, इसका मतलब है हमें यहाँ पे जो है कनेक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे ये कनेक्शन ख़त्म होगा, अब क्या होगा, आगे फर्दर करंट पास आउट नहीं करेगा, तो ये हमारा कनेक्शन सारा ख़त्म हो जाएगा. ऑटोमेटिकली जो है हम सेफ जोन में चले जाएंगे, ठीक है. तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमारा ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है, आयरन का. और आयरन जो है वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं या मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसलिए प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं ताकि अगर इन केस हमारा लाइव करंट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए अपनी लिमिट से तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए. क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉन्टेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले. जैसे ही अट्रैक्ट करेगी यहाँ से ब्रेकेज आ जाएगी और आगे हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा. अब होता क्या है कि जब हमारा लाइव वायर जो है उसके अंदर से करंट पास आउट कर रहा है एक लिमिट में कर रहा है, तो क्या है कि यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है. लेकिन अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो जितना करंट फ्लो करेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है. यानी मैग्नेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है जितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है. करंट ज़्यादा हुआ, करंट की वजह से ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी. जितना ज़्यादा करंट हुआ उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन चुका है, ठीक है. इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से ये क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है. ये अब क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हमारा ये जो सर्किट है अब वो किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है. इसने इस कॉन्टेक्ट को बिल्कुल अपने तरफ अटैच कर लिया, यानी अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है. तो ये हमारा सर्किट उधर चला गया. अब यहाँ से कनेक्शन ख़त्म होने की वजह से आगे फर्दर करंट पास आउट नहीं करेगा और हमारा पूरा जो सर्किट है वो सेफ रहेगा और हम खुद भी सेफ रहेंगे, ठीक है. अब इस स्प्रिंग का क्या काम है, ये स्प्रिंग इसको हर पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि लेट सपोज अगर हम यहाँ पे हैं तो ये इसको यहाँ पे ही रहने में हेल्प आउट करेगा. अदरवाइज़ क्या होता कि अगर हम इसको सीधा रख देते तो ऐसा भी तो था कि ये जब इस तरफ को मूव करता तो ये साइड इस तरह आके अटैच हो जाती इसे, ठीक है. तो क्या है स्प्रिंग का काम कि ये जो हमारा कनेक्शन है इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रखता है, उसको स्टेबल रखता है, ठीक है. इस वजह से यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ होता है. तो अब क्या हुआ, हमने सिंपली इसमें क्या पढ़ा कि अगर हम लोग पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाए और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए. अगर हमारा लाइव करंट एक हद तक पास आउट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉन्टेक्ट में रहेंगे जिसकी वजह से सर्किट कम्प्लीट होगा एंड कनेक्शन आगे मिल जाएगा. अगर लाइव वायर में करंट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया तो जितना करंट एक्सीड करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसका मतलब है वो आयरन के इस स्ट्रिप को बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है. जैसे ही खींचेगा ये उसकी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है. ये कॉन्टेक्ट मैग्नेट के साथ जाके चिपक गया और इस स्प्रिंग ने उसको वहाँ होल्ड कर लिया. अब यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आगे फर्दर करंट पास आउट नहीं करेगा. सो ये था हमारा ब्रेकर, के ब्रेकर जो है वो हमें किस तरह से सेव करने में हमारी हेल्प आउट करता है.